मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान, उदयपुर से। मैं लास्ट 7 साल से ये प्रॉब्लम हो रही थी मेरे, इसमें कान में आवाज़ आ रही थी, फिर धीरे धीरे मेरे पीछे से सुनना कम हुआ, फिर मैं बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा था मेरे को भी। डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ऑपरेशन के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, फिर मैंने ऑपरेट करवाया वहाँ पर। वहाँ पे तो मेरा वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को उसमें एक मशीन लगेगी छोटी सी अंदर, उन्होंने मेरे को बताया था, तो वो सेट नहीं हुआ। फिर मेरे को वापस उन्होंने एक बार उन्होंने बोला वापस चालू हो गया है, वो पिस्टन दबाना काम नहीं करता है आपका, ये बोला था। तो वो उन्होंने कुछ डाला नहीं, कुछ नहीं, वापस एक बार पैसे करके पैक करके भेज दिया, फिर वापस होगा जब देखेंगे अपन। फिर मैं दोबारा 3 साल बाद में वापस ऑपरेट कराया, दोबारा 3 साल बाद में वापस ऑपरेट कराया, इनके मानसिकता करके डॉक्टर साहब इनके पास, उन्होंने फिर वापस ऑपरेट किया। फिर वापस जैसे ऑपरेशन किया, मेरे को वापस बीच में वोमिट होने लगी, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, कहा कि अपन छेड़ नहीं सकते इसको ज़्यादा, इन पर मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है इसका, यूँ करके मैं निराश होकर वापस एक बार वापस लौट गया। फिर मैंने कहा ठीक है, आपने यही दिखाया, अब क्या करना है। लास्ट 3 साल से उसको झेलते झेलते अब मैंने बीच में कुछ आज से 15-20 दिन पहले ही यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे जैसे वीडियो देख रहा था सब ऐसे ही मैं देखता रहता बैठे बैठे, कुछ कहीं मिल जाए उम्र के, तो देखते देखते फिर बीच में एक ये प्रवीण सुराज जी का एक वीडियो क्लिप आई, तो उसको देखा, देखा ठीक लगा है, तो ये 2-3-4 उम्र के 4-5 वीडियो देख लिए। फिर मैंने घर में भी एक दो है जो सिस्टर थे, इनको बताया, मैंने कहा इसको देखो एक बार क्या है, देखिए एक बार अपन जा के आते, अरे इतना खर्चा कर दिया, थोड़ा और से देखते थे एक बार इसको देख लेते। फिर जैसे आज मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में थोड़ा ठीक लगा, मैं देखा माहौल ठीक है, फिर एक दो जो बच्चों को भी देखा वहाँ पे, फिर मेरे को थोड़ा एहसास हुआ करेगा कुछ तो है, फिर देखते हैं। आज फिर लास्ट 3 घंटे से मेडिसिन का यूज़ किया, उसके बाद में थोड़ा अच्छा थोड़ा फील महसूस हो रहा है, लग रहा है कि कुछ सहारा मिल जाएगा इससे, दोबारा नई अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, एक बार आप भी इस पल का फ़ायदा उठाएं, एक बार आएँ, आपका मौका लें।